नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नो बेक डे सत्र 24-25 में नए सिरे से जारी किया गया है। इसके तहत अब आपको द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को ही नो बेक डे आयोजित करना है। जो नो बेक डे आयोजित करना है इसकी भी मैंने पहले ही पूरी जानकारी आपको दी थी। और जो आपको नो बेक डे का रजिस्टर तैयार करना है, जिसमें नो बेक डे प्रभारी हैं, थीम प्रभारी हैं, ग्रुप प्रभारी हैं, किस प्रकार बनाने हैं, किस प्रकार आपको जो है मंथली हर महीने वार उसकी एंट्री करनी, किस प्रकार पूरी जानकारी थी उसमें आपको मैंने पूरी जानकारी दी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी रजिस्टर तैयार किस प्रकार करें उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो द्वितीय शनिवार है 14 सितंबर को जो कक्षा 1 से 5 की जो थीम्स हैं, गतिविधियां हैं, किस प्रकार आपको आयोजित करवानी है, किस प्रकार आपको जो है करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। रजिस्टर किस प्रकार संधारित करना है उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही ग्रुप और शाला दर्पण पर एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, जो कक्षा 6 से 8 हैं या 9 से 12 हैं, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या आप हमारे चैनल पर भी जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो सितंबर 2024 है इसमें आपको जो दूसरा शनिवार है और चौथा शनिवार है, दूसरे शनिवार की मैं आपको इसमें थीम्स और जो गतिविधियां हैं 1 से 5 के लिए वो बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थीम की। तो देखिए, जो 1 से 5 में थीम है वो है आओ राजस्थान को जाने। इसमें देखिए समूह 1 है और समूह 2 है, यानी कि समूह 1 अंकुर है जो कक्षा 1-2 के लिए, और समूह 2 है जो प्रवेश है कक्षा 3 से 5 के लिए। इसमें जो गतिविधि आप करवाएंगे आओ राजस्थान को जाने थीम के तहत, तो देखिए चित्र बनाओ, रंग भरो, तीज त्यौहार, मेले, ये 60 मिनट की अधिकतम आपको जो है गतिविधि करवा लेनी है। गतिविधि का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को राजस्थान की संस्कृति, तीज त्यौहार और मेलों की समझ बनाना है। आवश्यक सामग्री की बात करें तो कागज़, पेंसिल, रबर, रंग आदि आपको जरूरत इसकी पड़ेगी। शिक्षक हेतु निर्देश भी दिए हुए, जैसे कि देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को एकल सामूहिक रूप से सृजनात्मक प्रस्तुति के अवसर प्रदान करें। दूसरा, यहाँ पर शिक्षक अवलोकन करें और जहाँ आवश्यक हो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे। गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए शिक्षक विद्यार्थियों से स्थानीय त्यौहार और मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को त्यौहार और मेलों के चित्र बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों से उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर चर्चा करते हुए बात करेंगे और अपने त्यौहार के चित्रों में रंग किस आधार पर भरा हैं ये बात करते हुए विद्यार्थियों के त्यौहार पर अनुभवों को जोड़कर बात करेंगे। तो इस प्रकार गतिविधि के चरण हैं, आप संपादित कर सकते हैं। सीखने के प्रतिफल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान की संस्कृति के संदर्भ में त्यौहारों और महत्व मेलों के महत्व के विषय में विद्यार्थियों की समझ विकसित होगी। तो इस प्रकार आओ राजस्थान को जाने के तहत आपको ये जो चित्र बनाओ, रंग भरो, तीज त्यौहार, मेलों का, इस एक्टिविटी को आप करवा सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी की बात करें थीम के आधार पर, तो देखिए विशिष्ट गतिविधि नो टू तंबाकू, यानी कि तंबाकू से बचाव की मुहिम, ये थीम है। और इसके पर आपको देखिए समूह 1-2 में ये गतिविधि करवानी है। इसमें देखिए गतिविधि का नाम है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम, ये आपको अधिकतम 60 मिनट में ये गतिविधि करवानी है। गतिविधि के उद्देश्य की बात करें तो कविता के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम की समझ बनाना। आवश्यक सामग्री की बात करें तो तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम का चार्ट शीट, स्केच, कलर, पेंसिल आदि आप ले सकते हैं। निर्देश की बात करें तो देखिए शिक्षक सर्वप्रथम तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम की विद्यार्थियों में सामान्य जानकारी देंगे। गतिविधि के चरण की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को कविता के माध्यम से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यहाँ जैसा कि एक कविता छोटी सी दी हुई है, जैसे कि देखिए रोशनी होगी नशे की आदत, सबको आगे हैं आना, नशा है एक बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। तो इस प्रकार ये पूरी यहाँ पर कविता है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों में तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। दूसरा, यहाँ पर तीसरी जो थीम है वो है खुशी की पाठशाला। मैं सारी थीम्स आपको बता रहा हूँ, उनकी गतिविधियाँ बता रहा हूँ और जो समूह है वो भी आपको बता रहा हूँ कि कितने मिनट में आपको ये गतिविधि करनी है, किस प्रकार करनी है, पूरी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। गतिविधि का नाम है जरूरतें और भावनाएं, 30 मिनट की आप इसमें जो है गतिविधि करवा सकते हैं। गतिविधि के उद्देश्य की बात करें तो देखिए विद्यार्थियों में भावनाओं के बारे में समझ बनाना और उनका हमारी ज़रूरतों के साथ संबंध जानना, विद्यार्थियों का दूसरों की ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करने के तरीके सोचना। आवश्यक सामग्री की बात करें तो कागज़,
पेंसिल, रंगीन पेंसिल आदि आप ले सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश की बात करें तो शिक्षक कुछ उदाहरण या परिस्थितियों की सूची तैयार कर लें जो गतिविधि में सहायक हो। गतिविधि के चरण की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि शिक्षक प्रश्न से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए किन वस्तुओं या लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे यहाँ पर इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो हम सभी को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये बताया हुआ है खाना, पेट, पानी। इसके पश्चात शिक्षक स्वयं और दूसरों को जरूरतों के उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे। विद्यार्थी छोटे समूह में स्वयं और दूसरों की ज़रूरतों को वर्गीकृत कर चित्र बनाएंगे। इसके पश्चात शिक्षक भावना और जरूरत के संबंध पर समझ बनाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर चरण को संपादित करेंगे। यदि आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो तो कैसा लगता है, जैसे कि भूख लगने पर खाना ना मिले तो क्या होगा, खेलते समय दोस्त ना आए तो आपके साथ क्या होता है आदि आप जानकारी उनसे पूछ सकते हैं। आपकी ज़रूरत कोई पूरा कर दे तो कैसा लगता है, जैसे कि माता पिता कपड़े लाए हैं, स्कूल में नई पुस्तकें मिली हैं आदि चीज़ें आप उनसे जो है पूछकर पता कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गतिविधि के अंत में शिक्षक विद्यार्थियों को किसी परिवार या दोस्त की एक जरूरत पूरा करने और भावनाओं का अवलोकन करने के निर्देश देंगे। जिस प्रकार सीखने के प्रतिफल की बात करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों में भावनाओं और जरूरतों की समझ का निर्माण होगा, विद्यार्थी स्वयं और दूसरों की भावनाएँ समझ पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो है खुशी की पाठशाला पर आधारित आप थीम पर आधारित गतिविधि करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथी जो थीम है वो है भाषा समझ से अभिव्यक्ति की ओर, यानी कि आपको ये यहाँ पर भाषा से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर गतिविधि का नाम है थम्स अप थम्स डाउन, यानी कि 4 मिनट तक आप इस गतिविधि को करा सकते हैं। ये अंकुर ग्रुप के लिए है। इसमें देखिए गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों में गतिविधि के माध्यम से सुनने और कौशल का विकास करना है। आवश्यक सामग्री की बात करें तो प्लेस कार्ड, चार्ट, पेंसिल आदि ले सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश देखिए तो शिक्षक गतिविधि से पूर्व आवश्यक प्रश्नों की सूची बना लें, शिक्षक गतिविधि का एक बार अभ्यास कर लें और गतिविधि की तैयारी कर लें। इसके बाद देखिए गतिविधि के चरण की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सर्वप्रथम शिक्षक विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठाकर गतिविधि से संबंधित आवश्यक निर्देश देंगे तथा सही एवं गलत कथनों की सूची पढ़ेंगे। विद्यार्थी कथन को ध्यान से सुनेंगे और कथन की वैधता पर निर्णय लेंगे। यदि यह सच है तो वे इसकी सराहना करेंगे, यदि ये गलत है तो वे इसे नकारेंगे। मेरे बाल नीले हैं, तो देखिए यहाँ पर नाकामयाबी इस प्रकार हो जाएगा। सुश्री शर्मा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका हैं, तो अंगूठे ऊपर, यानी कि मैं केवल आशा कर सकता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर बच्चे गतिविधि को संपादित करेंगे। इस खेल को बड़े विद्यार्थियों के अनुरूप बदला जा सकता है। जिस पाठ्यक्रम या विषय पर आप काम करेंगे उसके बारे में सही और गलत बयान पढ़ेंगे। गतिविधि के अंत में सभी विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए गतिविधि के महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए सीखने के प्रतिफल तो देखिए समझने के कौशल के साथ सुनने के कौशल का भी विकास होगा, यानी कि बच्चे सही से सुन पाएंगे, ध्यान लगा के सुन पाएंगे। दूसरा समूह है यहाँ पर प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए। इसमें गतिविधि आप करवा सकते हैं न्यू चार्ट बनाना, ये भी आप अधिकतम 60 मिनट तक करवा सकते हैं। गतिविधि के उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों में रचनात्मक मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है, विद्यार्थियों से खबर एकत्रित करवाना तथा प्रस्तुत करने का कौशल विकसित करना। आवश्यक सामग्री की बात करें तो देखिए चार्ट पेपर, समाचार पत्र, पुरानी पत्रिकाएं आदि आप ले सकते हैं और भी आप सामग्री ले सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश हैं शिक्षक अखबार और पत्रिकाओं की कुछ कटिंग एकत्र करके रखें। गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए शिक्षक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 5 समूह में विभाजित करेंगे तथा विद्यार्थियों को निर्देश देंगे कि हम अलग अलग खबरों को एक जगह रखकर बातचीत करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को एक थीम जैसे पानी, पृथ्वी, घाटी के साथ चार्ट पेपर देंगे तथा विद्यार्थियों को निर्देश देंगे कि आप भी सभी को समूह में चार्ट शीट पर अलग अलग खबर को चिपकाना है। सभी समूह में दी गई थीम पर एक रेखांकित रेखाचित्र बनाएंगे तथा उसे अलग अलग रंगों के अखबार और पत्रिकाओं के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके भरेंगे। अंत में विद्यार्थी अपने समूह के कार्य को बड़े समूह में प्रस्तुत करेंगे तथा कुछ विद्यार्थियों अपने अपने घर या गांव की कुछ खबर भी इसमें लिखेंगे। देखिए सीखने के प्रतिफल की बात करें तो देखिए विद्यार्थियों में विचार प्रस्तुतिकरण की कला विकसित होगी तथा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। विद्यार्थियों में खबर सुनने और खबर लिखने के कौशल का भी विकास होगा। विशिष्ट गतिविधि बी स्मार्ट, यानी कि विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम। तो देखिए समूह 1-2 दोनों में आपको ये गतिविधि करवानी है। 60 मिनट तक आप ये गतिविधि करवा सकते हैं। गतिविधि का नाम है स्टेज फ्राइट, यानी कि भय मंच
मंच भय को दूर करना, यानी कि मंच पर जो भय होता है स्टूडेंट का, उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो गतिविधि का उद्देश्य देखिए तो विद्यार्थियों में मंच पर जाने संबंधी भय को दूर करना, विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति में सुधार और प्रतिभाओं की खोज करना। आवश्यक सामग्री बात करें तो माइक यूँ स्पीकर कुछ स्क्रिप्ट आदि आप लेकर जो है बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश देखिए तो शिक्षक विद्यार्थियों को स्वेच्छा से प्रतियोगिता, गीत, नृत्य इत्यादि के माध्यम से मंच पर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गतिविधि के चरण की बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों से प्रार्थना सभा या किसी अन्य विद्यालयी आयोजन में मंच पर प्रस्तुति करवा सकते हैं। मंच पर प्रस्तुतिकरण हेतु निम्नलिखित लिखित विषय उपयोग में लिए जा सकते हैं, जैसे कि बच्चा कविता गा सकता है, कहानी बोल सकता है, गीत, बाल गीत, अभियान गीत, देशभक्ति गीत कुछ भी कर सकता है, नृत्य कर सकता है, एकाभिनय है या रोल प्ले है या मुका अभिनय इत्यादि, यानी कि काफ़ी सारी गतिविधियाँ हैं जो बच्चा मंच पर जो है प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार ये गतिविधि आप करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक मंच पर प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देंगे तथा अपनी अभी तक प्रस्तुति नहीं देने वाले विद्यार्थियों को भी आगामी प्रस्तुति हेतु अभी प्रेरित कर और तैयार करेंगे। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो देखिए विद्यार्थियों में मंच पर प्रस्तुतिकरण संबंधी भय दूर होगा, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र भी दिया हुआ है मंच का। इसी थीम में देखिए एक गतिविधि यहाँ पर है खुशी की पाठशाला जो फिर से है। इसमें देखिए आपको समूह 1-2 में ये गतिविधि करवानी है। गतिविधि का नाम है यहाँ पर भावनाओं का परिवार, ये भी 60 मिनट तक आप करवा सकते हैं। गतिविधि का उद्देश्य है विद्यार्थियों में भावनाओं की समझ बनाना और उनसे जुड़े शरीर के बदलाव को पहचान पाना। आवश्यक सामग्री बात करें तो भावनाओं का चार्ट, सभी भावनाओं के नाम लिखी हुई 5 पर्चियाँ आदि जो है आप ले सकते हैं। शिक्षक हेतु भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि देखिए शिक्षक कुछ उदाहरण या परिस्थितियों की सूची तैयार कर ले जो गतिविधि में सहायक, सभी भावनाओं से जुड़े कुछ शब्द और व्यवहार की सूची पहले से ही तैयार करके रख लें। देखिए यहाँ पर कुछ भावनाएं भी दी हुई है, मुख्य भावनाएं यहाँ पर देख सकते हैं, खुशी, दुख, दया, डर, गुस्सा और उनसे व्यवहार क्या है तो वो व्यवहार भी आप देख सकते हैं। खुशी पर कैसा व्यवहार होता है, दुख पर, दया में या डर में या गुस्से में, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए शिक्षक कक्षा को 5 समूह में बांटेंगे, हर समूह को एक भावना को अभिव्यक्त करने का निर्देश देंगे। विद्यार्थी भावना का प्रदर्शन मूर्ति करके बनके करेंगे और भावना से जुड़ी अभिव्यक्ति चेहरे और शरीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जैसे दुख में नीचे बैठ जाना और शरीर सुकड़ लेना। शिक्षक यह कुछ उदाहरण देकर विद्यार्थियों को सृजनात्मक तरीके से सोचने के लिए भी प्रेरित करेंगे। इसके पश्चात शिक्षक सभी भावनाएँ कैसे दिखती हैं इस पर चर्चा करेंगे और हर भावना की समझ गहराई में बनाएंगे। शिक्षक अब विद्यार्थी को एक भावना की स्लिप चुनने के लिए कहेंगे। जोड़े में विद्यार्थी जो भावना स्लिप में लिखी है उसे अभिव्यक्त करेंगे, जोड़े में करना है, चेहरे और शरीर के माध्यम से और उसके साथ ही उस भावना का अंदाज़ा लगाएंगे। शिक्षक कक्षा के अंत में विद्यार्थी को कैसा लगा, उन्होंने क्या नया सीखा इसे साझा भी करेंगे। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने तथा उनसे जुड़े शरीर के बदलाव को पहचानेंगे। तो इस प्रकार ये पूरी यहाँ पर थीम्स थी और थीम्स पर आधारित गतिविधियाँ थी। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो दूसरा शनिवार है, दूसरे शनिवार सितंबर का जो दूसरा शनिवार है, इसमें आपको जो गतिविधियाँ करवानी है थीम पर आधारित, 5 थीम मैंने आपको इसमें बताई हैं। जो अगला शनिवार होगा उसमें मैं आपको जो बाकी सितंबर माह की जितनी भी गतिविधियाँ हैं थीम से वो आपको जो है अगले वीडियो में बताऊँगा। और साथियों आपको इसका रजिस्टर तैयार करना है, तो रजिस्टर किस प्रकार तैयार करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें आपको बताया हुआ है कि प्रभारी किस प्रकार बनाने हैं और रजिस्टर में आपको जो महीनेवार थीम्स के गतिविधियों का जो है रजिस्टर संधारित करना है, किस प्रकार करना है, पूर्व तैयारी किस प्रकार करनी है, पूरी जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी जानकारी रजिस्टर संधारण की ले सकते हैं। साथियों अभी शाला दर्पण पर जो है अभी जो 9 बैग डे हैं पुराने तरीके से ही हैं, अभी उसमें अपडेट नहीं हुआ है। जैसे अपडेट होगा मैं शाला दर्पण पर भी आपको एंट्री किस प्रकार करनी उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।